हेलो सर, कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप बताइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बस देख लो, आपका प्यार हमें दूसरे टाइम लेके आ गया आपके थैंक पास। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बेस्ट वेलकम। थोड़ा सा बता दीजिए क्या क्या नया स्टार्ट कर दिया सर, है। नया हमने अभी पनीर कुलचा स्टार्ट किया है, वेज कुलचा स्टार्ट किया है, मोमोज ऐड किए हैं, वेज मोमोज और पनीर मोमोज। बस थोड़े दिनों में वड़ा पाव, स्पाइरल पटेटो और क्रंची बर्गर भी आ रहा है। इतना मेन्यू कर दिया है, पर हम देख रहे हैं बंदे ज्यादातर खा रहे हैं यहाँ पे खड़े हो गए आपका पनीर कुलचा ही। हाँ, अब नहीं, सारे सारे मतलब सब कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन ये पनीर कुलचा मोस्ट सेलिंग आइटम चल रही है। मोस्ट सेलिंग आइटम से लोग पनीर कुलचे को करने आ रहे हैं ट्राई। मैं कहा मेकिंग दिखाओगे? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो भाई मेकिंग होने लगी है, आपको मेकिंग दिखाते हैं। जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पारी ये लग रहा है पनीर कुलचा जी। जी पारी, हाँ जी पारी, इसमें मिल्क की ग्रेवी होती है, ये इसमें पानी नहीं पड़ता। अच्छा, ये पूरे मिल्क में बनती है, होता है मसाला घर में तैयार होता है, घर में भी थोड़ी क्रीम जलती है इसमें, बाकी मिल्क वगैरह सारा यही बनता है। ये पनीर गल रहा है जी। हाँ जी, अपने पास न्यूट्री कुलचा है, वेज कुलचा है, पनीर कुलचा है और पाव भाजी है, मोमोज है। अभी बस कुछ दिनों में वड़ा पाव शुरू हो जाएगा, स्पाइरल पटेटो यहाँ भी हो जाएगा शुरू। सबसे ज़्यादा भाजी कुलचे भी है, अच्छे चल रहे हैं, पाव भाजी भी चल रही है, लेकिन ये है कि पनीर कुलचा मोस्ट सेलिंग आइटम है। हो गया ये लगभग आप मान के चलो 7-8 महीने। नहीं नहीं सर, पहले सिर्फ न्यूट्री कुलचा और पाव भाजी थी। अच्छा, शुरुआत न्यूट्री कुलचा और पाव भाजी से जी, फिर कस्टमर ने प्यार दिया, फिर उसके बाद अपना न्यूट्री कुलचा से वेज कुलचा, पनीर कुलचा सब चल रहा है। ये क्या है? चटनी, ये होममेड चटनी है हमारी। सर जो पनीर कुलचा है ये 140 की प्लेट है, इसमें दो पीस होते हैं, और न्यूट्री कुलचा 80 रुपीज़ की प्लेट है, दो कुलचे होते हैं, वेज 100 की है उसमें भी दो कुलचे होते हैं, पाव भाजी है वो भी 80 रुपीज़ की प्लेट है, मोमोज है वेज मोमोज 50, पनीर मोमोज 70। सर ये वैसे तो मेरी वाइफ को इस चीज़ का बहुत शौक है। हाँ जी, हाँ जी, मेरी वाइफ है, इनको बहुत शौक है, और थोड़ा बहुत कुकिंग का मेरे को भी था, तो ये घर पे बोले चलो अपन शुरू करते हैं, कार्ड लगाते हैं। नहीं सर, कुकिंग का बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड हमारा फर्नीचर का है, हमारा फर्नीचर की है शॉप, बस इसको अभी 3-4 मिनट और लगेंगे, अच्छे से पक जाएगा, गाढ़ापन आ जाएगा ग्रेवी में। अभी वेज है हमारा, सारा कुछ वेज है। मेरा नेम लवप्रीत है। हाँ जी, सारा कुछ आप ही का आइडिया मुझे लग रहा है। हाँ जी, इनका ये है कि इनको शौक है, जैसे इनका ये है ये टेस्ट न्यूट्री कुलचा वगैरह का, मैंने तो पहली बार इनके साथ ही खाया था। एक्चुअली हमारे वहाँ छत्तीसगढ़ में ही इसका है नहीं न्यूट्री कुलचा वगैरह का। आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो? हाँ जी, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने इन्हीं के साथ टेस्ट किया न्यूट्री कुलचा वगैरह, फिर हमने न्यूट्री कुलचा से स्टार्ट किया था, फिर हमें आगे आगे जैसे कस्टमर्स ने बोला आप ये वाला कुलचा भी स्टार्ट करो, हमने कहा ये स्टार्ट करके देखते हैं, बट हमने एक दो बार बनाया, लोगों को पसंद आया, फिर हमने आगे और वैरायटीज रख ली कुलचे में। अभी लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, बल्कि लोग हमें फ़ोन लगा लेते हैं कि अभी तक आप आए नहीं हो करके, इतना डिमांड में आ गया कि हाँ फोन करके पूछते हैं कि आगे कि नहीं आगे। हाँ जी, तो थोड़ा सा बताइए क्या क्या आपके पास? ये चटनी है, होममेड चटनी है ये अपनी? हाँ जी, ये होममेड चटनी है, ये मोमोज की चटनी है। अच्छा, और ये भी चिल्ली सॉस है। हाँ जी, अगर हम नॉन स्पाइसी बनाते हैं कि जैसे बच्चे और बुजुर्ग सब खा सके, अगर कोई बोलता है स्पाइसी करने के तो हम चिल्ली सॉस डाल के स्पाइसी कर देते हैं। अभी ये प्लेट लग रही है। हाँ जी, तो इसको होममेड चटनी है, होममेड चटनी है, सैलेड है, ये पनीर कुलचा है, पनीर कुलचा है। हाँ जी, रेट क्या रहती है इस प्लेट की? इसकी प्राइस है 140। तो अच्छे से तवे पर पका लिया और गाढ़ापन देखिए कितना बढ़िया आ गया। हाँ, ये देखिए जी, सबसे पहले ये बटर है, बटर में कुलचे सेके जा रहे हैं। ठीक है, मेरका का बटर होता है जी हमारा। ठीक है, इसके बाद फिर सारा आगे प्रोसेस दिखाओगे ना? हाँ जी, हाँ जी, फिर इसके बाद ग्रेवी बनेगी,
कैसे कुलचे सेके जाते हैं और कैसे ग्रेवी बनती है, कैसे तैयार होता है फाइनल टच। जी जी बिल्कुल, क्या बात है भाई। भाई वीडियो में पूरे बने रहना, मजा आ जाएगा सचमुच। इसी की डिमांड ज्यादा रहती है जी। जी जी, मेन ये है कि लोग, मैं देख ही रहा हूँ कस्टमर आ रहा है तो सबसे ज्यादा इसी की डिमांड कर रहा है। लोग एक प्लेट लेते हैं और साथ में सात सात आठ आठ कुलचे खा जाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, कुलचे 20 रुपए का एक्स्ट्रा, अगर आप एक्स्ट्रा लेते हो तो 20 रुपए का मिलेगा आपको। जी जी, तो बटरी कुलचा देख लो आप ये, और प्लेट में लेते हो तो मसाले से लगभग मिलता है। हाँ जी हाँ जी, तो ये पाजी का भी फेमस है। हाँ जी बिल्कुल, ये मेरा भी फेवरेट है। फेवरेट है ये रेसिपी, भाभी जी की थी क्या, आप ही की है? सर ये दोनों की है, दोनों की रेसिपी है। मेन शेफ यही है, इनकी बदौलत ही हम याद यहाँ पर है। सही बात, इनको काम का शौक था, मेरे को कुछ करना है कुछ करना है, कुकिंग का शौक था तो बोला चलो हम स्ट्रीट फूड में। बट रियलिटी है कि पाजी कुकिंग की बैकग्राउंड से नहीं है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, कुकिंग बैकग्राउंड फर्नीचर की थी इससे पहले। फर्नीचर की शॉप क्या? हाँ हमारी शॉप है, शॉप थी हाँ, अपना सेक्टर 125 में सन इनक्लेव में, शहीद भगत सिंह मार्केट। तो उधर से उस लाइन से इस लाइन में कैसे आ गए आप? ये बस वाइफ का शौक, इनको था ये कि मैं अपने मैं टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ आपके साथ, कि आप मेरे साथ रहो। बोला ठीक है आप करो ये स्टार्ट, मैं आपके साथ हूँ। बस दोनों मिलके कर रहे हैं, साथ में मदर, मेरे मदर होते हैं, इनके मदर इन लॉ, छोटी बेटी होती है यहाँ पर, चार पाँच घंटे। हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।